हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टिल वी हैव कंप्लीटेड अप टू चैप्टर 16, ओके, एंड नाउ टुडे आई एम हियर विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 17। चैप्टर 17 इज देयर, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक आउट द चैप्टर 17। सब लोग चैप्टर 17 ओपन कर लीजिए। And what is the topic is given in this page number or the chapter? Where in India? Means here are given the explanation about things that they are situated in which country or city, and they are also in the India. Okay students, and page number 19 is there. All of you take out your page number 19. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू टेल। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। इन सेकेंड कॉलम यू हैव द ब्लैंक, एंड इन सेकेंड कॉलम द एक्सप्लेनेशंस आर गिवन देयर। वेयर इन इंडिया मीन्स यू हैव टू टेल दैट नाउ दीज थिंग्स आर, इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग आर गेटिंग इन इंडिया, सो यू कैन फाइंड द फॉलोइंग। मीन्स यू कैन फाइंड these all things in India, but that is where situated in India. Okay, उनके places आपको यहाँ पर write करनी है। So start from the first, the two shipbuilding yards are in. Shipbuilding जो हैं, yards जो हैं, वो जो two हैं वो कहाँ कहाँ पर आपके आप उसको find कर सकते हैं, and where in India. So in first one you will get in Visakhapatnam, and in second one you will get in Cochin. Clear? Second, the largest bauxite you have, second one, the largest bauxite producing state of India, where is situated or where is this? So it is in where? Odisha. कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है, ठीक है। Next आपका है the famous Kovlam beach is in, फेमस कोवलम जो बीच है वो कहाँ है? इट इज इन केरला। कहाँ है वो? इट इज इन केरला, इसको केरल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जिप्सम आर फाउंड इन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जिप्सम आर फाउंड, वेयर विल यू फाउंड टू दिस? You will found this one in where? Rajasthan. कहाँ पर मिलेगा आपको? राजस्थान में। Next आपका है, next, first white revolution took place in, first white revolution जो था उसने कहाँ पर किस जगह पर place किया था? That was about your Anand Gujarat. That was about your Anand Gujarat. Next है a big रेफिनरी इन बिहार, अ बिग रेफिनरी इन बिहार, दैट इज इन बरौनी। वेयर इज सिचुएटेड? इन बरौनी। नेक्स्ट आपका है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इट इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, लार्ज कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्ज कॉटन का जो प्रोड्यूस है उसका जो स्टेट है वो कहाँ पे है इंडिया में? दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात, ओके। नेक्स्ट आपका है डायमंड्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ, डायमंड्स जो पाया गया है वो किस स्टेट में है जो कि इंडिया में है? सो दैट इज इन योर मध्य प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट, गोल्ड इज माइंड इन द स्टेट ऑफ, गोल्ड इज माइंड इन द स्टेट ऑफ, that is also in Karnataka, in Karnataka. Next, a major sugar producing state, a major sugar producing state, जो sugar जो होता है उसकी जो produce होती है, producing होती है, ठीक है, वो किस state में होती है? that is in Maharashtra. Next, the largest petroleum producing state in India, the largest पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की जो प्रोड्यूसिंग होती है
स्टेट वो जो इंडिया में कहाँ पे है, वो भी आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, सैफ्रॉन इज फाउंड इन नेक्स्ट क्या था आपका, द लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड दैट सिचुएटेड इन इंडिया, इन वेयर, इन गुजरात। सेकेंड, नेक्स्ट, सैफ्रॉन इज फाउंड इन एबंडेंस इन दैट इज वेयर, दैट्स इन योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सैफ्रॉन जो पाया गया है एबंडेंस में वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, क्रोमिट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, क्रोमिट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, दैट्स इन उड़ीसा। एंड लास्ट वन यू हैव ओरोविल इज, आर ओरोविले इज लोकेटेड इन वेयर, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी, ओरोविले इज लोकेटेड इन पुडुचेरी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर? सो इट्स टू टुडेज वर्कशीट, विच यू हैव टू डू इट इन वेयर, विच यू हैव टू डू इट इन योर बुक। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बुक, लेट सेंड मी योर वर्क थ्रू द स्कूल एप्लीकेशन। क्लियर? एंड इसको कंप्लीट करके आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को क्या करेंगे, अपने प्रीवियस चैप्टर्स को लर्न कर लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट टू डू योर वर्क। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।